हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है कि 24 मार्च 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारे टैक्स कॉम्प्लायंसेस के लिए छूट दी। उसका एक प्रेस नोट आया जिसमें बहुत सारी ड्यू डेट्स को बढ़ाया गया था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। अब 3 अप्रैल 2020 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशंस इशू कर दी हैं, नोटिफिकेशन नंबर 30 से लेके 36 तक, और साथ के साथ एक सर्कुलर इशू किया है जो सारे जीएसटी ऑफिसर्स को एड्रेस किया गया है। सो दोस्तों, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस आ चुका था, टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके थ्रू क्लियरिटी हो गई थी। इनकम टैक्स के साथ साथ जो वेल्थ टैक्स, बेनामी प्रॉपर्टी, जो अलाइड लॉज थे, उन सब के भी उसमें अमेंडमेंट हो गए थे। जीएसटी के लिए ड्यू डेट्स की क्लियरिटी नहीं थी। हाँ, डेट बढ़ गई थी, ये क्लियर था, 30 जून के आसपास चली गई थी, ये भी क्लियर था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होगी, क्या कंडीशंस होंगी, वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, जो अब सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिटर्नों के लिए, किस किस टैक्स पेयर के लिए क्या क्या ड्यू डेट बनी है। मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट की तरह यहां पे भी आपको अलग अलग स्लैब रेट, अलग अलग चार्ट, अलग अलग टेबल बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ड्यू डेट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। और उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है मल्टीपल ड्यू डेट्स देने का, कि डिपार्टमेंट का सर्वर एक साथ बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स का लॉगिन का लोड उठा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिटर्नों के लोगों के लिए अलग अलग ड्यू डेट दी हैं, ताकि सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और लिमिटेड नंबर ऑफ टैक्स पेयर लॉगिन करें, जिससे सभी की रिटर्नें फाइल हो सकें। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी लैप्स चल रहा है जीएसटी में, जिसको भरने के लिए गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है। सो दोस्तों, इस सर्कुलर के थ्रू सबसे पहले हम जिस्ट समझेंगे कि नोटिफिकेशंस का जिस्ट क्या है, और फिर डिटेल में एक एक नोटिफिकेशन में एक एक रिटर्न की एक्सटेंडेड डेट हम डिस्कस करेंगे। सो ये सर्कुलर इशू किया जीएसटी डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, टू ऑल द प्रिंसिपल कमिश्नर्स। नोटिफिकेशन नंबर 30 जो 3 अप्रैल 2020 को इशू की गई, और इसका रिमार्क्स क्या है दोस्तों, अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल्स सो एज टू अलाउ टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू फाइल देयर ऑप्शन इन फॉर्म CMP 02 टिल 30th of June 2020 एंड टू अलाउ कम्युलेटिव एप्लीकेशन फॉर द कंडीशन इन रूल 36(4) फॉर द मंथ ऑफ फेब 2020 टू अगस्त 2020 इन द रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड ऑफ सितंबर 2020। सो ये 30 नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 में क्या लिखा गया है दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। सो नोटिफिकेशन नंबर 30 जो आई है दोस्तों, इसके थ्रू सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, और सीजीएसटी रूल्स में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुई है, सबसे पहले रूल 3 में अमेंडमेंट हुई है। रूल 3 क्या कहते हैं दोस्तों, कि जो भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते थे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, उनके लिए कायदे से ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, लेकिन अब उस ड्यू डेट को बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया है। साथ के साथ ITC 03 की फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दिया है। तो जो लोग करंट फाइनेंशियल ईयर मीन्स अप्रैल में हम आ गए हैं, सो 2020-21 में जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, वो आज के दिन बाय डिफॉल्ट अपने को कंपोजिशन स्कीम में समझ सकते हैं, और अभी जो उनकी सेल्स होंगी उसको कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम की एप्लीकेशन जो CMP 02 में जाती है उसको 30 जून तक भर सकते हैं। दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है दोस्तों, वो रूल 36(4) में हुई है, और ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। रूल 36(4) क्या कहता है दोस्तों, रूल 36(4) कहता है GSTR 3B में वही क्रेडिट लिया जाएगा जो GSTR 2A से मैच होता है, और उसके अंदर 10% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये अक्टूबर 2019 में रूल आया था, रूल 36(4), जिसमें सबसे पहले GSTR 2A प्लस 20% की बात की गई थी, और जनवरी 2020 में दोस्तों इसको GSTR 2A प्लस 10% पे लाके खड़ा कर दिया गया था। सो 36(4) के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है, उसमें प्रोविजन दिया गया है दैट द सैड कंडीशन, सैड कंडीशन मीन्स दोस्तों GSTR 3B का क्रेडिट और GSTR 2A के क्रेडिट की मैचिंग का प्रिंसिपल जो है, वो जो कंडीशन है
that the said condition shall apply cumulatively for the period Feb, March, April, May, June, July, August and September. Means फरवरी 2020 से लेके सितंबर 2020 जो ये सारी GSTR 3B आप फाइल करेंगे, इनके अंदर जो आप क्यूमुलेटिव ITC लेंगे, वो जो क्यूमुलेटिव ITC आप लेंगे उसको GSTR 2A में फरवरी से लेके सितंबर तक के पीरियड का देखा जाएगा और फिर उसके ऊपर 36(4) का प्रिंसिपल लगेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपने फरवरी 20 से लेके सितंबर 20 तक ₹100 का जीएसटी का क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B में लिया, अलग अलग महीनों में अलग अलग क्रेडिट लिया दोस्तों, लेकिन इन इस पीरियड का मिला के, इन सात महीनों का मिला के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन आठ महीनों का मिला के आपका क्रेडिट ₹100 बनता है। और जीएसटीआर 2A के अंदर इन आठ महीनों का मिला के, अलग अलग महीनों में अलग अलग क्रेडिट आ सकता है, लेकिन इन आठ महीनों का मिला के आपका क्रेडिट GSTR 2A में ₹90 बनता है। तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा दोस्तों, 2A प्लस 10% मींस 90 प्लस 9 ₹99 का आपको क्रेडिट एलिजिबल है, ₹1 का आपका इनएलिजिबल हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि किस महीने के 2A में कितना आ रहा है, मंथ वाइज रिकॉन्सिलेशन GSTR 3B और 2A का नहीं होगा। फेब 2020 से लेके सितंबर 2020 के बीच में जितना भी आपका आप आईटीसी लेते हैं 3B में, उसको उसी पीरियड के रिस्पेक्टिव 2A से कम्युलेटिवली चेक किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स होंगे जो अपनी GSTR 3B, GSTR 1 लेट फाइल करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मंथली फाइल करने वालों के लिए और क्वार्टरली फाइल करने वालों के लिए अलग अलग डेट्स दी है। तो उन्होंने ये इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट लेट मिलेगा, सो इसीलिए उनको ये मैचिंग प्रिंसिपल के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। सो मैं इस 36(4) की प्रोविजो को दोबारा रीड कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट द सैड कंडीशन सेल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2020 एंड द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड सेप्टेम्बर 2020 शैल बी फर्निश्ड विद ए कम्युलेटिव एडजस्टमेंट इन इनकम टैक्स क्रेडिट फॉर द सैड मंथ्स इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस अबव। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ है दैट ए कम्युलेटिव प्रिंसिपल शैल अप्लाई फॉर दीज पीरियड्स। सो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 30 में CGST रूल्स में दो अमेंडमेंट हुई। पहली अमेंडमेंट, आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, 3 महीने का टाइम दिया है लेने के लिए, और GSTR 3B जो आपको भरनी है, ITC जो आपने लेना है, उसमें भी 2A से कम्युलेटिव आप मैच कर सकते हैं। देन नोटिफिकेशन नंबर 31 दोस्तों, नोटिफिकेशन 31 जो है वो आपसे ड्यू डेट की बात करती है दोस्तों। ये बताती है कि आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट्स क्या क्या होंगी। सो दोस्तों अब तैयार हो जाइए चार्ट बनाने के लिए। GSTR 3B की रिटर्नें कैसे भरी जाएंगी? सो GSTR 3B की रिटर्नें कुछ इस तरीके से हैं कि जिन टैक्स पेयर की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, दोस्तों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को आप प्लीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लगा लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, मीन्स जब आप फरवरी 2020 और मार्च 2020 की रिटर्नें भर रहे हैं तो आपको 18-19 की टर्नओवर देखनी है, लेकिन जब आप अप्रैल 2020 की रिटर्न भरेंगे तो आपको 19-20 की टर्नओवर देखनी है। तो आप जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की हम जब बात करते हैं, सो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को आप प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा कि फरवरी और मार्च 2020 के लिए 18-19 की टर्नओवर देखनी है और अप्रैल ऑनवर्ड्स 19-20 फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर आपको देखनी है। सो टर्नओवर हैविंग एन टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो साहब आपके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, पहले 15 दिनों का फ्रॉम द ड्यू डेट, मींस जिस दिन ड्यू डेट आपकी ख़त्म होती है, जैसे फरवरी 2020 की मेरी ड्यू डेट ख़त्म हो रही थी 20 मार्च को, और 20 मार्च से 15 दिन आप अगर लेके चलें तो 4 अप्रैल, सो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। सो पहले 15 दिनों के लिए कोई ब्याज नहीं, उसके बाद 9% का ब्याज, ये ब्याज का आपका हिसाब है दोस्तों, इस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। टैक्स पीरियड फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, इन 3 महीनों के लिए हम बात कर रहे हैं उन टैक्स पेयर की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है।
सो वो टैक्स पेयर जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के लिए अगर हम बात करें तो उनको GSTR 3B की जो अपनी रिटर्न भरनी है वो अगर ड्यू डेट पे नहीं भर पाते तो अगले पहले 15 दिन के लिए ब्याज कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद 9% का ब्याज लगेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है पहले 15 दिन के लिए कुछ नहीं और उसके बाद 9%, ये कंडीशन कब तक है दोस्तों? ये कंडीशन है 24 जून 2020 तक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 9% के ब्याज के साथ भी रिटर्न भरनी है तो फरवरी से लेके अप्रैल 2020 तक की रिटर्न आपको एट लास्ट जून 24 जून 2020 तक भरनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भर पाते तो फिर आपके ऊपर पूरा ब्याज लगेगा, पूरी लेट फीस लगेगी और उसके ऊपर अगर कोई पेनल प्रोविजन होगा तो वो भी लगेगा। सो दोस्तों जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनकी रिटर्नें इस प्रकार से जाएंगी कि ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर कोई ब्याज नहीं, ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं, उसके बाद 9% का ब्याज, बट एट द एंड 24 जून 2020 तक आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न भर दीजिए। देन दोस्तों आ जाइए उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है। तो सेकंड स्लैब आ गया दोस्तों, टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। सो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ तक, ये सेकंड स्लैब है दोस्तों, उनके लिए कोई ब्याज नहीं है, निल इंटरेस्ट है फरवरी मार्च अप्रैल तीनों महीने के लिए। लेकिन फरवरी और मार्च 2020 की उनको 3B अपनी भरनी है 29 जून तक और अप्रैल 2020 की उनको 3B भरनी है अपनी 30 जून तक। सो दोस्तों जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है ब्याज नहीं है 29 जून तक फरवरी और मार्च का और 30 जून तक अप्रैल का। सो इस तरीके से उनको अपनी GST की रिटर्नें भरनी है, उसके बाद उनके ऊपर बाकी सारे पैनल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर रिटर्नें नहीं भरते। अब दोस्तों तीसरे स्लैब में आ जाइए, तीसरा स्लैब किसके लिए? जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ऊपर हम ऊपर स्ट्रेस दे चुके हैं कि किस महीने के लिए कौन सा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। दोस्तों इनके ऊपर कोई ब्याज नहीं है लेकिन फरवरी की रिटर्न भरनी है 30 जून तक, मार्च की रिटर्न भरनी है 3 जुलाई तक और अप्रैल की रिटर्न भरनी है 6 जुलाई तक। सो दोस्तों अगर आप टैक्स पेयर हैं तो अपनी ड्यू डेट देख लीजिए अपनी फर्म की टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं तो प्लीज़ ये चार्ट बना लीजिए साहब कि GSTR 3B का मेरा जो चार्ट बना है वो कुछ इस तरीके से बना है कि 5 करोड़ से ऊपर की अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है और वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की टर्नओवर के भी आपके दो चार्ट बनेंगे, फरवरी और मार्च 2020 के लिए 18-19 की टर्नओवर देखिए और अप्रैल के लिए आप जो है 19-20 की टर्नओवर देखिए और फिर उसके बाद 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का फिल्टर अलग लगाइए 2 सालों का, भाई साहब 18-19 का अलग और 19-20 का अलग, और फिर 1.5 करोड़ से कम का फिल्टर वो भी अलग लगाइए, क्योंकि ये भी बहुत पॉसिबल है कि मेरी 18-19 में टर्नओवर 2 करोड़ थी लेकिन 19-20 में जाके टर्नओवर 1 करोड़ रह गई। अगर 19-20 में टर्नओवर मेरी 1 करोड़ रहेगी तो अप्रैल 2020 की जो मेरी रिटर्न जानी है वो 6 जुलाई तक जानी है। सो दोस्तों ये जो आपकी कंडीशंस है ये सारी की सारी आपको देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी GST की सारी रिटर्न भर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है लेकिन आपकी आपको श्योर है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप अपनी रिटर्न 29 जून से पहले भर दीजिए, क्योंकि जो लिस्ट डेट आ रही है इन सब में वो 29 जून आ रही है 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए। सो 5 करोड़ से नीचे की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है, रिस्क नहीं लेना चाहते, क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही, डाउट क्रिएट हो रहा है, 29 जून से पहले भर दीजिए रिटर्न। अदरवाइज आपके सामने चार्ट बना हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 में। देन दोस्तों और ये जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो रही है दोस्तों ये रिट्रोस्पेक्टिवली 20 मार्च से एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो 20 मार्च के बाद की 20 मार्च और उसके बाद की तारीखों के लिए आया है, उससे पहले जो आपकी रिटर्न ड्यू डेट थी उन पे नहीं है। कहने का मतलब ये है जो मंथली फरवरी की GSTR 1 जानी थी वो 11 मार्च तक जानी थी, सो उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो एज इट इज उसकी ड्यू डेट थी, उसको अगर आपने नहीं भरा तो उसके ऊपर आप लेट फीस देने के लिए तैयार रहिए। देन आ जाइए दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 32। नोटिफिकेशन नंबर 32 क्या कहती है दोस्तों? नोटिफिकेशन नंबर 32 जो है वो लेट फीस के बारे में बात करती है। पिछले जो नोटिफिकेशन नंबर 31 है उसमें पढ़ी हमने, जो उसमें हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा और 3B की डेट के बारे में पढ़ा कि किस डेट तक 3B भरनी है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आप लेट फीस पे आ जाइए दोस्तों, लेट फीस भी एग्जैक्ट सेम कोरिलेशन में है नोटिफिकेशन नंबर 31 और 32 की डेट्स के।
कि अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और हम अगर फरवरी मार्च और अप्रैल 2020 की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी लेट फीस कब तक नहीं लगेगी दोस्तों, ऑन और बिफोर 24 जून तक, जो 31 नंबर नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट के लिए भी रिलैक्स कंसेशनल इंटरेस्ट की भी लास्ट डेट थी। देन दोस्तों अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो फरवरी और मार्च महीने के लिए आपकी लेट फीस कब तक नहीं लगेगी, 29 जून तक, और अप्रैल 2020 के लिए आपकी लेट फीस कब तक नहीं लगेगी, 30 जून तक। ये सेम डेट है जो हमने प्रीसीडिंग नोटिफिकेशन में पढ़ी। देन दोस्तों 1.5 करोड़ से कम की अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है तो आपकी फेब 2020 की लेट फीस 30 जून तक माफ है, मार्च 2020 की 3 जुलाई तक और अप्रैल 2020 की 6 जुलाई तक लेट फीस माफ है। सो दोस्तों अभी तक हमने 3B की रिटर्नों का चार्ट देखा, उसमें इंटरेस्ट का क्या प्रोविज़न है वो देखा और लेट फीस का क्या प्रोविज़न है हमने वो भी देखा नोटिफिकेशन नंबर 31 में, नोटिफिकेशन नंबर 32 में और नोटिफिकेशन नंबर 30 में हमने ITC का देखा कि ITC हम कैसे ले सकते हैं। अब आ जाइए नोटिफिकेशन नंबर 33/2020 के ऊपर। 33/2020 कहती है दोस्तों GSTR 1 की लेट फीस किस सिचुएशन में लगेगी और किस सिचुएशन में माफ़ है। सो डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब जो मंथली GSTR 1 फाइल करने वाले हैं, फरवरी 2020 की तो ड्यू डेट 11 मार्च थी तो वो तो निकल गई आपकी, लेकिन जो मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 की आपकी ड्यू डेट है, जो रिस्पेक्टिवली 11 अप्रैल 11 मई और 11 जून थी आपकी जो ड्यू डेट, वो GSTR 1 की आपकी डेट बढ़ा के अब 30 जून 2020 कर दी गई है। और 30 जून 2020 तक अगर आप अपनी मंथली GSTR 1 फाइल कर देते हैं तो आपके GSTR 1 लेट फाइल करने पर लेट फीस नहीं लगेगी। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो जनवरी से मार्च क्वार्टर है दोस्तों, जिनकी क्वार्टरली GSTR 1 जाती है, अगर वो अपनी GSTR 1 30 जून तक फाइल कर देते हैं, ओरिजिनली वो डेट 30 अप्रैल थी लेकिन अगर वो 30 जून तक फाइल कर देते हैं तो GSTR 1 की आपकी लेट फीस माफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप 30 जून से आगे जाते हैं दोस्तों तो फिर आपकी नॉर्मल जो लेट फीस लगनी है वो आपके ऊपर लगेगी। सो नोटिफिकेशन में जो अमेंडमेंट है वो इस तरीके से है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट, सेक्शन 47 जो है दोस्तों वो लेट फीस का है CGST एक्ट का, शेल स्टैंड वेव्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20, अप्रैल 20 एंड मे 20 एंड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च 2020। सो दोस्तों मंथली रिटर्न है मार्च अप्रैल मई और क्वार्टरली रिटर्न Q4 जो मार्च 2020 को एंड हो रही है। फॉर द रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन्स हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सैड पीरियड इन फॉर्म GSTR 1 बाय द ड्यू डेट बट फर्निशेज द सैड डिटेल्स इन GSTR 1 ऑन और बिफोर 30th of June 2020। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिनकी मंथली जानी है वो मार्च अप्रैल और मई, और जिनकी क्वार्टरली जानी है वो जुलाई से मार्च क्वार्टर की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो अपनी ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भर पा रहे लेकिन 30 जून से पहले भर देते हैं तो उनकी सारी की सारी लेट फीस जो GSTR 1 के लेट भरने से अराइज हो रही थी वो माफ़ हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए 30 जून 2020 से पहले आपको अपनी GSTR 1 भरनी पड़ेगी। और दोस्तों इसी लेट डेट को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 30 में कम्युलेटिव ITC की भी बात की, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब मैंने अपनी GSTR 3 भी भरनी है, सामने वाला GSTR 1 लेट भरेगा, मेरे में ITC दिखेगा नहीं तो मेरे ऊपर फिर कैश बर्डन आ गया टैक्स भरने का। सो डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया और कहा कि भाई साहब आप अपने बिल के बेसिस पे अभी तो ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए फरवरी 20 से सितंबर 20 का सारा ITC 2A में दिख जाए और वो दिख जाएगा जब, और वो डिपार्टमेंट चेक कब करेगा दोस्तों, सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट होगी GSTR 1 की उस डेट को चेक करेगा डिपार्टमेंट कि भाई फरवरी 20 से सितंबर 20 का सारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर फिर एक्शन लेगा। सो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अभी तो आप इनवॉइस के बेसिस पे ले लीजिए लेकिन बाद में उस प्रोविज़न का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। होप दोस्तों मैं इस पॉइंट पे आपके साथ बिल्कुल क्लियर हूँ कि जो हमारी ITC है उसका अकुमुलेशन अब आपको किस तरीके से करना है, कि फरवरी 2020 से अगस्त 2020 का जो आपका सारा ITC है वो डिपार्टमेंट सितंबर 20 की जब आप GSTR 3B भरेंगे, मान लीजिए सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और सितंबर 2020 की GSTR 3B जानी है 20 अक्टूबर को, सो 20 अक्टूबर को जब आपकी GSTR 3B जानी है, उस दिन जब आप अपनी GSTR 3B भरेंगे, सो उस दिन डिपार्टमेंट चेक करेगा कि उससे पहले सितंबर 2000
20 की जो GSTR 3 भी जानी है उसकी ड्यू डेट से पहले जो आपका फरवरी 2020 से अगस्त 2020 प्लस सितंबर 2020 ड्यू डेट से पहले जो आपका एक्युमुलेटिव ITC है वो GSTR 3B और GSTR 2A का रिकॉन्सिलेशन में है। सो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 30, 31, 32 और 33 हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 34 पे। सो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 34 क्या कहता है, नोटिफिकेशन नंबर 34 कहता है इन द सेकंड पैराग्राफ इन द सैड नोटिफिकेशन द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। व्हाट इज द प्रोविजो, कि दोस्तों जो आपकी कंपोजिशन टैक्स पेयर है, कंपोजिशन स्कीम लिए हुए टैक्स पेयर हैं आपके और वो जनवरी से मार्च 2020 के टैक्स पीरियड की अगर हम बात करते हैं सो उनको अपना टैक्स CMP 08 में 7 जुलाई 2020 से पहले भरना है और उनको अपनी GSTR 04 वो 15 जुलाई 2020 से पहले भर देनी है। सो Q4 की हम बात कर रहे हैं, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर हैं उनके पास 3 महीने 7 दिन का टाइम है उनको अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी CMP 08 में 7 जुलाई 2020 से पहले भर देनी है और फिर अपनी जो GSTR 4 GST की रिटर्न जाती है उसको 15 जुलाई 2020 से पहले उनको फाइल कर देनी है। उस केस में उनके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दोस्तों अब हम नोटिफिकेशन नंबर 35 पे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 35 जो बात करती है वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन हैज बीन स्पेसिफाइड। दोस्तों ये सेम लैंग्वेज है जो हमने प्रेस नोट में देखी थी 24 मार्च वाले में कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच में अगर आपकी कोई भी ड्यू डेट फॉल कर रही है अदर देन स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जो हमने 30 से 34 के बीच में पढ़ी, जो 30, 31, 32, 33, 34 के बीच में जो स्पेसिफिक डेट्स दे रखी हैं, स्पेसिफिक नोट क्लोज कवर किए हैं, स्पेसिफिक पॉइंट कवर किए, उनके अलावा अगर आपका कोई और कंप्लायंस है जो डिपार्टमेंट के एक्शन के लिए है या टैक्सपेयर के एक्शन के लिए, दोनों ही साइड डिपार्टमेंट ने कवर की हैं और 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 में अगर वो फॉल कर रही है तो उन सब की कंप्लीशन डेट लास्ट डेट 30 जून 2020 मान ली जाएगी। इसमें और डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया अलग अलग तरीके से, डिपार्टमेंट को अलग किया और टैक्सपेयर को अलग किया। सो डिपार्टमेंट को अलग करके उन्होंने क्या कहा कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस इंटीमेशन नोटिफिकेशन सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय वट एवर नेम कार्ड बाय एनी अथॉरिटी कमीशन और ट्रिब्यूनल बाय वट एवर नेम कार्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट स्टेटेड अबव। और अब टैक्सपेयर के एंगल से आ जाइए साहब, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, भाई आपको कोई ऑर्डर मिला आपको अपील फाइल करनी है, देन दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, आपको कोई रिपोर्ट देनी है, कोई रिप्लाई देना है, कोई नोटिस मिला उसका रिप्लाई देना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कोई रिटर्न फाइल करनी है। ये कौन सी रिटर्न है दोस्तों, ये रिटर्न है जो नोटिफिकेशन नंबर 30 से लेके 34 में कवर नहीं होती स्पेसिफिकली, बाकी रिटर्न है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी रिटर्न है। कोई स्टेटमेंट फाइल करनी है और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो दोस्तों मेरे एक्सपोर्टर भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि साहब LUT का क्या होगा। सो जो LUT है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का वो 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेबल है और ये क्लोज क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच में अगर कोई भी ड्यू डेट है तो उसको एक्सटेंड समझ के 30 जून समझ लिया जाएगा, बाय सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट एप्लीकेबल टू दिस। सो दोस्तों जो LUT आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ले रखी है आप समझ लीजिए वो LUT 30 जून 2020 तक का आपका डीम्ड एक्सटेंडेड मान ली जाएंगी अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस। ये जो अमेंडमेंट है ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की LUT को 3 महीने एक्सटेंड कर रहा है अगर इन केस आप LUT फाइल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर LUT फाइल हो रही है, हम लोगों ने भी कुछ टैक्सपेयर्स की LUT फाइल की है, बट स्टिल आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके डिजिटल सिग्नेचर ऑफिस में रह गए हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रोविजन का हवाला देकर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की LUT को 3 महीने तक फर्दर एक्सटेंडेड मान सकते हैं। ये सिर्फ LUT के लिए नहीं, कोई और भी अगर आपकी एप्लीकेशन है, कोई और भी आपकी स्टेटमेंट है तो उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो जर्नल एक्सटेंशन है ये किन किन क्लोजेज पर एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों, ये इन क्लोजेज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चैप्टर 4 बात करते हैं दोस्तों टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर
ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। देन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 बात करता है दोस्तों कि कंपोजिशन स्कीम से आप तब बाहर हो जाओगे जब आपकी टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाएगी, सो उस केस में भी ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। देन सेक्शन 25, सेक्शन 27 दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन की बात करता है। देन सेक्शन 31, सेक्शन 37 दोस्तों रिटर्न की बात करता है, आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न की बात करता है, GSTR 1 की बात करता है, तो GSTR 1 के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आ चुकी है। सेक्शन 47 लेट फीस की बात करता है, सेपरेट नोटिफिकेशन आ चुकी है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट की बात करता है दोस्तों, सेपरेट नोटिफिकेशन आ चुकी है। देन सेक्शन 69, सेक्शन 90, सेक्शन 122 पेनल्टीज की बात करता है, ऑफेंसेज की बात करता है, सेक्शन 129 डिटेंशन की बात करता है। सो दोस्तों इन प्रोविजंस के ऊपर आपका ये जर्नल एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इनमें से कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं दोस्तों जिनकी ड्यू डेट सेपरेटली बढ़ा दी गई है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो रिग्रस हैं जिनके ऊपर ये ड्यू डेट जो ये जर्नल एक्सटेंशन है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। देन दोस्तों सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 345। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सेक्शन 39 बात करता है जीएसटी रिटर्न होगी, और 39 में ये कह रहा है कि साहब 39 के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 3, 4, 5 के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो 39(3), 39(4) और 39(5) के ऊपर जर्नल एक्सटेंशन एप्लीकेबल है, लेकिन 39(1-2) के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। 39(1-2) जो है दोस्तों वो आपकी जीएसटीआर 3 की बात 3B की बात करता है। 39(3), 4, 5 किस किस की बात करते हैं दोस्तों? टीडीएस, जो सेक्शन 51 में मैं भरता हूँ। सो टीडीएस अगर आप एज ए टीडीएस डिडक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपकी ड्यू डेट बढ़ के 30 जून हो गई है दोस्तों। 20 मार्च के पीरियड से लेके और 29 जून के बीच में आपकी अगर कोई डेट फाइल करती है, देखिए फरवरी की 10 मार्च को जा चुकी है, तो मार्च की 10 अप्रैल, अप्रैल की 10 मई और मई की 10 जून, तो मार्च अप्रैल मई इन तीन महीनों की डेट बढ़ के आपकी 30 जून हो गई है टीडीएस के लिए। टीसीएस के लिए भी सेम प्रोविजन है दोस्तों, अगर आप टीसीएस में फॉल करते हैं, आप एज ए टीसीएस डिडक्टर रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी भी मार्च अप्रैल मई की डेट बढ़ के 30 जून हो गई है। आप अगर आईएसडी रजिस्टर्ड हैं दोस्तों तो भी आपकी डेट बढ़ के 30 जून हो गई। आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर रजिस्टर्ड हैं दोस्तों तो भी आपकी डेट बढ़ के 30 जून हो गई है। सो ये जो अदर मिसलेनियस रिटर्न्स जो जाती हैं और उनमें भी अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, सो वो टैक्स लाइबिलिटी पे करने की साथ की साथ दोस्तों उनकी ड्यू डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न भरने की भी आपकी डेट एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। देन दोस्तों सेक्शन 68 इन सो फार एज ईविल इज कंसर्न्ड एंड देन रूल्स मेड अंडर द प्रोविजन, सो दोस्तों ए से डी के बीच में अगर कोई भी रूल बनते हैं तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी एक्सटेंडेड डेट। दोस्तों ईवे बिल के बारे में भी एक क्लेरिफिकेशन आ गई है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि साहब ट्रक लोड खड़े हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, डिपार्टमेंट दे रहा है दुरुस्त है, लेट नोटिफाई किया, बट क्लेरिफाई कर दिया कि अगर 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपका कोई भी वैलिड ईवे बिल है, वेयर एन ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड इट्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्स ड्यूरिंग 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल, तो उस ईवे बिल की डीम्ड वैलिडिटी 30 अप्रैल मान ली जाएगी दोस्तों। सो आपका कोई भी ईवे बिल जो 20 मार्च के बाद जो 20 मार्च को एक्सपायर हो रहा था 19 मार्च के बाद, वो 20 मार्च को अगर एक्सपायर हो रहा था तो वो ईवे बिल बढ़ के अब 30 अप्रैल 2020 तक वैलिड है। ट्रक जहाँ पे खड़े हैं उनको खड़े रहने दीजिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके ट्रक पहुँच जाएंगे, ईवे बिल में जीएसटी में उसका कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जर्नल प्रोविजंस, अदर मिसलेनियस रिटर्न्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस किस की डेट कहाँ कहाँ तक बढ़ के क्या हो गई है। देन नोटिफिकेशन नंबर 36 पे आ जाते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर जो 36 है वो बात करती है दोस्तों मई 2020 की जीएसटीआर 3B की। सो दोस्तों हमने फरवरी मार्च अप्रैल तीन महीनों के जीएसटीआर 3B का पूरा चार्ट देखा, अब मई की बात कर लेते हैं दोस्तों। मई की जीएसटीआर 3B की क्या डेट रखी है डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 5 करोड़ से ज़्यादा है उनकी 3B 27 जून तक जाएगी दोस्तों। फरवरी मार्च अप्रैल की लास्ट डेट 24 जून रखी थी और मई की 27 जून रख दी है दोस्तों, जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 5 करोड़ से कम है दोस्तों, और जो इन स्टेट्स में फॉल करते हैं, स्टेट कौन कौन सी हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा एंड यूटी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन सभी की जीएसटीआर 3B की डेट मई 2020 के लिए 12 जुलाई है दोस्तों।
और इनके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन सभी के लिए जीएसटीआर 3B की मई 2020 की ड्यू डेट 14 जुलाई है दोस्तों। सो दोस्तों ये सारी की सारा स्ट्रक्चर था जीएसटी की रिटर्नों का, इसकी हम समरी देख लेते हैं जो सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने बोला है। तो सर्कुलर नंबर सर्कुलर जो इशू किया डिपार्टमेंट ने, सर्कुलर नंबर 136/06/2020 डेटेड 3 अप्रैल 2020 में, उसमें सबसे पहला जो नोटिफिकेशन 30/2020 हमने देख लिया है, CMP 02 मीन्स ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम की डेट 30 जून रख दी है दोस्तों, और साथ के साथ 36(4) का जो प्रोविज़न है उसको रिलैक्स कर दिया गया है, उसकी कम्युनिटी एप्लीकेशन पे आ गए हैं फरवरी 2020 से अगस्त 2020 का, आपको सितंबर 2020 की रिटर्न में चेक करना है। देन दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 31, नोटिफिकेशन नंबर 31 बात करती है दोस्तों कि इंटरेस्ट आपका कब कब तक कितना कितना लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 32 दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 32 बात करती है कि लेट फीस आपकी वेव हो गई है, कब तक वेव हो गई है, किस कंडीशन के साथ वेव हुई है, फरवरी से लेकर अप्रैल 2020 तक की। देन नोटिफिकेशन नंबर 33 दोस्तों आपको बताती है जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करनी है, कब तक की लेट फीस जीएसटीआर 1 पे वेव हुई है। देन नोटिफिकेशन नंबर 34 आपको ये बता रही है दोस्तों कि आप कंपोजिशन अगर रजिस्टर्ड टैक्सपेयर हैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर में, तो आपकी अपनी जीएसटीआर 04 और CMP 08 कब तक फाइल होना है। देन नोटिफिकेशन नंबर 35 दोस्तों आपको ये बता रहा है कि अदर मिसलेनियस जो रिटर्न्स हैं और अगर कोई और एक्शन है चाहे डिपार्टमेंट के एंड से या टैक्सपेयर के एंड से, उसकी डेट 20 मार्च से लेकर अगर 29 जून के बीच में फॉल करती है तो उसकी डेट एक्सटेंड होकर बाय डिफॉल्ट 30 जून हो गई है, और उसके अंदर जो एक्सेप्शंस थी वो भी हमने एक एक करके सारी डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेश्चनर्स के थ्रू कुछ क्लेरिफिकेशन दिए हैं साथ के साथ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, हम इन क्वेश्चंस को भी टैकल कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट आर द मेजर्स दैट हैव बीन स्पेसिफिकली टेकन बाय द टैक्सपेयर, टेकन फॉर द टैक्सपेयर हु हैव ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट और दोज अवेलिंग द ऑप्शन टू पे अंडर द नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 7/3/2019। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि एक तो Q4 की डेट बढ़ा के 7 जुलाई कर दी CMP 08 के लिए और GSTR 4 के लिए 15 जुलाई कर दी। दूसरा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ऑप्ट करने की डेट 30 जून कर दी और ITC 03 फाइल करने की डेट 31 जुलाई कर दी। तो ये कंपोजिशन के लिए यहाँ पे उन्होंने क्लेरिफाई किया। दोस्तों फिर उन्होंने बताया कि साहब क्वेश्चन ये पूछा कि वेदर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब मार्च एंड अप्रैल हैज बीन एक्सटेंडेड। डिपार्टमेंट ने बताया कि साहब एक्सटेंड हो गई है, कुछ कंडीशंस के साथ एक्सटेंड हुई है कि साहब अगर आप द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब मार्च अप्रैल हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड दो एनी ऑफ द नोटिफिकेशन रिफर्ड इन पैरा 2 अबव। दोस्तों डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि GSTR 3B की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन रिलैक्सेशन दी गई है आपको। रिलैक्सेशन क्या क्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने मैं अपने आप को करेक्ट कर दूँ कि ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि साहब ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की, रिलैक्सेशन दी है, और वो रिलैक्सेशन क्या है, वो वही रिलैक्सेशन है जो हमने नोटिफिकेशन नंबर 30 और 31 में पढ़ी। 31 नंबर नोटिफिकेशन में जो हमने पढ़ा वो रिलैक्सेशन है। उन्होंने क्या कहा कि नोटिफिकेशन नंबर 31 में हमने ये कहा है कि नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 15 दिन के लिए और उसके बाद 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये जो रिलैक्सेशन है उसको डिपार्टमेंट ने कहा है कि रिलैक्सेशन है, हमने 3B की डेट नहीं बढ़ाई है। फर्दर उन्होंने 32/2020 में कहा कि साहब हमने लेट फीस भी आपकी माफ़ कर दी है। सो द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेवर ऑफ लेट फीस वुड बी अवेलेबल ओनली इफ ड्यू डेट्स ऑफ ड्यू टैक्सेस पेड इन द फॉर्म GSTR 3B बाय द डेट्स एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सो डिपार्टमेंट ने बड़ी चतुराई के साथ दोस्तों ये कहा है कि हमने GSTR 3B की डेट नहीं बढ़ाई है, हाँ लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 32-31 के थ्रू आपको रिलैक्सेशन दे दी है। किस किस चीज़ से, इंटरेस्ट से, टैक्स पे करने की डेट आगे एक नई ड्यू डेट देके और लेट फीस आपकी माफ़ करके। सो दोस्तों इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगी, ड्यू डेट नहीं बढ़ाई है, एक एक्सटेंडेड रिलैक्स डेट दी है। अगर तब तक आप कंप्लाई नहीं करते तो उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बहुत ही स्मार्टली, जैसे वो ROC में और इनकम टैक्स में भी पहले टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते थे
उसी तरीके से उन्होंने जीएसटी में भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, उन्होंने रिलैक्सेशन दी है इंटरेस्ट से, लेट फीस से, लेकिन उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की ताकि डिफॉल्टर्स के ऊपर बैक डेट से ही वो एक्शन ले सकें। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशन अटैच्ड फॉर अवेलिंग द रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में हमने पूरा का पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ा, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, एज क्लेरिफाइड इन सीरियल नंबर 2 अबव द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न रिमेन्स अनचेंज्ड, 20th डेट ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन नोटिफाइड एट नील फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। सो जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपकी फरवरी की रिटर्न 20 मार्च तक जानी थी, उसमें 15 दिन ऐड कर लीजिए, 4 अप्रैल हो गया, तो 4 अप्रैल तक अगर आप अपनी 3B भर देते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, 4 अप्रैल के बाद भरते हैं तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन लास्ट डेट जो है इसकी वो 24 जून है। अगर 24 जून तक भी नहीं भरते तो उसके बाद आपका पूरा इंटरेस्ट लगेगा, पूरी लेट फीस लगेगी, पूरी पेनल्टी लगेगी, ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो हमने भी अपनी जितनी नोटिफिकेशन पढ़ी है वहाँ पे भी हमने बड़ा एम्फेसिस दिया था कि जो लास्ट डेट है वहाँ तक अगर आप कर दोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ये स्कीम नहीं मिलेगी दोस्तों आपको। देन दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। डिपार्टमेंट ने बड़े सिंपली बताया कि एग्जाम्पल लीजिए कि आपने आपकी डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो 2 मार्च 2020 की जो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग है वो 2 मई 2020 है। ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग जो आपकी मार्च 2020 की थी वो क्या थी जीएसटीआर 3B की, वो थी 20 अप्रैल। मान लीजिए आपने अपनी रिटर्न भर दी 2 मई तक, तो कितने दिन बाद भरी 20 अप्रैल से 11 दिन बाद, 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं तो 0 इंटरेस्ट। मान लीजिए 20 अप्रैल को जो आपको अपनी मार्च की 3B भरनी थी, 5 करोड़ से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 5 करोड़ से नीचे वालों पे तो ब्याज ही नहीं है, तो 5 करोड़ से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं कि 20 मई 2020 को भरी मान लीजिए आपने, तो कितने दिन बाद भरी, 30 दिन बाद, 20 अप्रैल से 20 मई। सो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूस्ड, बिल्कुल लगेगा जी, पहले 15 दिन के लिए 0 ब्याज और उसके बाद 15 दिन के लिए 9% का ब्याज। तो डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि पहले दिन से ही 9% नहीं लगेगा, पहले 15 दिन के लिए 0 ब्याज, उसके बाद 15 दिन के ऊपर 9% का ब्याज। देन दोस्तों मान लीजिए मैंने अपनी रिटर्न 20 जून को भरी, कितने दिन बाद भरी मैंने दोस्तों, 61 दिन बाद, ब्याज लगेगा, लगेगा, पहले 15 दिन पर 9 ब्याज, उसके बाद 40 दिन के ऊपर 9% का ब्याज मेरे ऊपर लगेगा। देन दोस्तों मान लीजिए मैंने अपनी रिटर्न 24 जून को भरी है, 24 जून दोस्तों लास्ट डेट है, रिलैक्स डेट, लास्ट एक्सटेंडेड रिलैक्स डेट है दोस्तों, ये एक्सटेंडेड वर्ड नहीं यूज करूंगा, लास्ट रिलैक्स डेट है दोस्तों ये, तो 24 जून 2020 को मान लीजिए आपने भरी, तो 65 दिन बाद आपने भरी, इंटरेस्ट लगेगा रिलैक्स, यस लगेगा, पहले 15 दिन पे कुछ नहीं है, अगले 50 दिन पे 9% का। मान लीजिए आपने 30 जून को भरी दोस्तों, तो 71 दिन का डिले हो गया, रिलैक्स इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 18% का ब्याज लगेगा पूरे 71 दिनों के ऊपर। सो दोस्तों इस तरीके से ब्याज की कैलकुलेशन होनी है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया था कि जहां कन्फ्यूजन है, जो लीस्ट डेट है 5 करोड़ से नीचे वाले, वो उस पे भर दें, वो लीस्ट डेट है आपकी 29 जून, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है। और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन मेरे को लग रहा है कि ईजिली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट आर द कंडीशंस अटैच्ड फॉर अवेलिंग द नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब मार्च एंड अप्रैल फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्न प्रीसीडिंग फाइनेंशियल अप टू 5 करोड़। सो दोस्तों मान लीजिए वो क्वेश्चन ये है कि ब्याज ना देना पड़े उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको ये करना है कि आपको अपनी GSTR 3B ड्यू डेट खत्म होने के 15 दिन के अंदर भर देनी है। एज क्लेरिफाइड इन सीरियल नंबर 2 अबव द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न रिमेन अनचेंज्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन नोटिफाइड एज नील फॉर द सैड मंथ्स, द कंडीशन फॉर वेलिंग द नील रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश द रिटर्न ऑन फॉर्म GSTR 3B ओनर बिफोर द डेट एज मेंशन इन नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 मींस विद इन 15 डेज आप भर देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, 15 दिन के बाद भरते हैं, 24 जून तक भर देते हैं तो 9% का ब्याज लगेगा, लेकिन अगर उसके बाद भरते हैं तो पूरा 18% का ब्याज लगेगा, साथ के साथ लेट फीस भी माफ नहीं होगी, पेनल्टी भी लग सकती है। देन दोस्तों क्वेश्चन उठता है वेदर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 अंडर सेक्शन 37 हैज बीन एक्सटेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 ऑफ CGST एक्ट इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 33/2020।
लेट फीस लेवेबल अंडर सेक्शन 47 हैज बीन वेव्ड ऑफ। सो दोस्तों उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया जीएसटी R1 के लिए भी कि लेट फीस माफ कर दी है साहब आपकी, डेट नहीं बढ़ाएंगे, जीएसटी R1 की भी डेट नहीं बढ़ाएंगे। आप चाहे क्वार्टरली भर रहे हो, मंथली भर रहे हो, 30 जून से पहले अपनी जीएसटी R1 भर दो, लेट फीस आपकी माफ कर दिया लेकिन ड्यू डेट आपकी नहीं बढ़ी है। देन दोस्तों 36(4) के रिस्ट्रिक्शन की जो बात की है उस पर क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3/4/2020 से प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड इन सीजीएसटी रूल 2017 टू प्रोवाइड दैट द सैड कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न ऑफ फॉर्म GSTR 3B इन द मंथ ऑफ फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त बट दैट द सैड कंडीशन शैल अप्लाई कम्युलेटिवली फॉर द सैड पीरियड एंड दैट द रिटर्न ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ September 2020 शैल बी फर्निश्ड विद क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर फेब से अगस्त के बीच में ज्यादा ले लिया है तो सेप्टेम्बर में रिवर्स कर देना, नहीं तो मोटा ब्याज लग जाएगा। सो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो यही है कि फेब से अगस्त तक बिना 2A की मैचिंग के लिए ले लो, लेकिन जब सेप्टेम्बर की रिटर्न भर रहे हो तो पूरा मैच कर लो फेब से सेप्टेम्बर तक का, और अगर ज़्यादा ले लिया है तो रिवर्स कर दो, और अगर कम लिया है तो और ले लो सेप्टेम्बर में। देन दोस्तों ई वे बिल के ऊपर क्लैरिफाई हो चुका है कि 30 अप्रैल आपका ई वे बिल मान लिया जाएगा जो 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ख़त्म हो रहे थे। देन दोस्तों TDS के रिटर्न के बारे में क्लैरिफाई हमने कर लिया है कि उसकी डेट बढ़ के 30 जून 2020 हो गई है। देन दोस्तों TCS के रिटर्न के बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर लिया कि उसकी भी ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड हुई है। दोस्तों समझने की बात यह है कि ये एक्सटेंड है, डीम्ड एक्सटेंशन, दैट द डीम्ड कंप्लीशन मान ली गई है। सो वो डेट बढ़ के 30 जून हो गई है TDS की भी TCS की भी, और अदर कोई कंप्लेंस है तो उसके लिए भी डेट बढ़ के 30 जून हो गई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये नोटिफिकेशंस और ये जो सर्कुलर है इसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा टैक्स पेयर से कि प्लीज़ अकॉर्डिंगली अपना प्लान कीजिए, और टैक्स प्रोफेशनल से कि प्लीज़ अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखिए। लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और गवर्नमेंट ने हम सबको काम दे दिया है। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ ईमेल कीजिए, और कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछिए, कोई सजेशन है प्लीज़ बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।